जामुल थाना क्षेत्र स्थित आशाराम बापू नगर के एक मकान में महिला टीचर पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। जब महिला टीचर कोई दूसरा काम करने जाती है तो उसका 65 साल का पिता शहादत हुसैन छोटी छोटी बच्चियों को चॉकलेट देने के बहाने उन्हें गलत जगहों पर छूता है, उन्हें गले लगाता था, गंदी हरकत करता था। वह बच्चियों को कहता था कि वो यह बात किसी से न बताएंगी तो वह और चॉकलेट देगा। धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ने लगी। जब बच्चियां उसकी छेड़खानी से परेशान होने लगी तो उन्होंने अपने माता पिता को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने शुक्रवार को जामुल थाने में प्रदर्शन कर मामले की शिकायत दर्ज कराई। मामला बढ़ने की जानकारी मिलते ही छावनी CSP वहां पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाया व खुद टीम लेकर शहादत हुसैन के घर आसाराम बापू नगर वार्ड 4 पहुंचे और उसे गिरफ्तार करने थाना ले आए। मामले की जानकारी CSP छावनी ने कुछ इस प्रकार से दी। आसपास 6:30-7 बजे के आसपास एक घटना, एक शिकायत आई जामुल थाने में कि बापूजी नगर, श्री आसाराम बापूजी नगर एरिया में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ बच्चों के साथ, 11-12 वर्षीय बच्चियों के साथ छेड़छाड़, मोलेस्टेशन और इनअप्रोप्रिएट टच करने की एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों में की है। तो इस क्षेत्र में एक महिला है, इस बुजुर्ग की बेटी है, जो एक बहुत प्रतिष्ठित टीचर है, पूरे क्षेत्र में उनका नाम भी है और पूरे क्षेत्र के लगभग 30 बच्चे बच्चियाँ उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। तो जब ये ट्यूशन पढ़ने जाते हैं उसमें ही कभी कभी ये बुजुर्ग बच्चियों के साथ इनअप्रोप्रिएट टच और छेड़छाड़ की कुछ एक्टिविटीज़ पिछले एक हफ्ते से कर रहे थे। एक लड़की के साथ एक हफ्ते पहले हुआ था, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं आया था बताने का। कल एक बच्ची के साथ हुआ है तो वो अपने माँ को जाके बताई और जब मौका मिला तो दूसरी बच्ची ने भी बताया कि मेरे साथ भी एक हफ्ते पहले हुआ है, कुछ प्रलोभन देकर, चॉकलेट देकर। और फ्रेंडली होने के साथ साथ, बड़े लोग फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ, बट फ्रेंडली होने के साथ साथ इनअप्रोप्रिएटली टच भी करते थे। तो इस शिकायत पे हम लोगों ने तुरंत काम किया। 7:30 बजे के आसपास उन्हें थाने पर बुलाया, डिटेन किया। रात में FIR हुई है, सेक्शन 354 IPC और पॉक्सो सेक्शन 8 के अंदर FIR हुई है, अरेस्ट हो गया है। और अभी थोड़ी देर पहले उन्हें चलान कर रिमांड में भी भेजा जा चुका है। ये घटना है, दोनों पक्ष के परिजनों, दोनों बच्चियों, इसके अलावा और भी जो दूसरे बच्चे जो ट्यूशन में जाते थे उनके सारे परिजनों से मेरी बातचीत हुई है और उनकी और कोई शिकायत है तो उसको मैंने सुना है और वो संतुष्ट है जो भी प्रक्रिया, जो भी कार्रवाई की गई है।